आपको न्यूज तक की वो रिपोर्ट तो याद ही होगी जिसमें हमने आपको सरकार के जेई नीट को खत्म करने वाले प्लान की जानकारी दी थी, उसके बारे में बताया था कि जेई नीट को सीयूईटी में मर्ज करने की अब तैयारी जो है वो चल रही है। तो इस वीडियो पर हमने देखे काफी कमेंट्स आए, छात्रों के काफी रिएक्शंस उस पर आए थे, कईयों ने कुछ सवाल भी पूछे, कई छात्र जो थे वो डर भी गए सोचकर कि अब आने वाले समय में क्या होगा, सरकार अपने इस प्लान को असलियत कब बनाने वाली है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके सवालों के जवाब पॉइंट्स बाय पॉइंट्स एक एक करके दे दिए जाए ताकि आपको कोई मन में डाउट ना रहे। साथ ही एक जरूरी बात ये कि आपके पास जो खबर पहुंचे वो बिल्कुल ही फैक्चुअल हो, फैक्ट्स उसमें स्टेट किए गए हों, मिसलीडिंग ना हो। इसीलिए आज हम आपको इस प्लान से जुड़े कट टू कट फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो अब तक सामने आए हैं। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। क्या जेई नीट के अलग से एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो जाएंगे? सरकार के मौजूदा प्लान को समझें तो हां, ऐसे प्रपोजल पर काम किया जा रहा है। अब अगर जेई नीट का जो सेपरेट एंट्रेंस होता है वो अगर अब खत्म हो जाएगा तो फिर इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड्स में एंट्री आपको कैसे मिल पाएगी, ये आपके मन में सवाल होगा। तो जवाब है सीयूईटी। आप जानते ही हैं साल देश भर में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी की शुरुआत की गई। अब सरकार का प्लान ये है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड्स में भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीयूईटी के थ्रू ही एंट्री दी जाए। अब सवाल ये कि आखिर जेई नीट जो कि देश के दो बड़े एंट्रेंस एग्जाम हैं उन्हें बंद करने की जरूरत आखिर सरकार को क्यों पड़ रही है, सीयूईटी में शामिल करने का प्लान बना ही क्यों? तो इसका जवाब खुद यूजीसी के चेयरपर्सन एम जगदीश कुमार ने दिया है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत कई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे छात्रों पर बोझ कम करने के लिए ही इस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का प्लान बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जेई नीट और सीयूईटी में से दो एग्जाम तो लेते ही हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि कई स्टूडेंट्स जो है वो तीनों एग्जाम भी लेते हैं। उन्होंने कहा कि नीट में आपके पास जहां बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री आपके पास मौजूद होता है तो वहीं जेई में आपके पास होता है मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री। जगदीश कुमार ने कहा कि दो सब्जेक्ट्स तो यहां वैसे ही कॉमन दिखाई देते हैं दोनों ही उसमें, और यही सेम सब्जेक्ट्स जो हैं वो सीयूईटी में भी होते हैं, तो हम स्टूडेंट्स को अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देने पर आखिर मजबूर क्यों करें? तो कुल मिलाकर यूजीसी के अकॉर्डिंग मर्जर का जो प्लान है वो इसीलिए बनाया गया ताकि स्टूडेंट्स पर अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स का बोझ ना पड़े। अब सवाल ये कि सरकार कैसे इस पूरे मर्जर प्लान को फाइनल करने वाली है। देखिए इस पर यूजीसी के जो चेयरपर्सन है जिनकी हम बात आपको बता रहे हैं जगदीश कुमार ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए और सभी स्टेक होल्डर्स को पहले तो उन्हें कंसल्ट किया जाएगा, उनसे सलाह मशवरा किया जाएगा, उनसे बात की जाएगी और फिर इसे जमीन पर उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि यूजीसी सबसे पहले एक एक्सपर्ट कमिटी बनाएगी जो कि पहले तो एग्जिस्टिंग एंट्रेंस के जो एग्जाम के प्रोसेस होते हैं उसी को देखेगी। ये कमिटी फिर एक सिंगल सीयूईटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की पॉसिबिलिटी को देखेगी, समझेगी कि इसे कैसे कराया जा सकता है और फिर ये जो कमिटी है ये अपनी रिकमेंडेशंस देगी। फिर इस पर स्टेक होल्डर्स का फीडबैक जो है वो लिया जाएगा और फीडबैक के आधार पर ही फाइनल निर्णय, फाइनल फैसला जो होता है वो लिया जाएगा। तो क्या इसका मतलब है कि ये अभी प्लान फाइनल नहीं हुआ है? जवाब है हाँ, प्लान अभी सिर्फ एक प्लान ही है, इस पर कोई आधिकारिक मोहर नहीं लगी है। इनफैक्ट अभी ये बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में है। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि अगर प्लान फाइनलाइज अब तक हुआ ही नहीं है, कुछ फाइनल हो ही नहीं पाया, प्लानिंग ही चल रही है, तो फिर हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए इसमें खबर ही क्या है? देखिए खबर है, आप यूजीसी के इस प्लान को एक बड़े हिंट के तौर पर ले लें। यूजीसी चेयरपर्सन ने भी कुछ इसी तरफ ही इशारा कर दिया है, कहा कि अगर हम इसे अगले साल से भी लाना चाहें तो अभी एक साल का वक्त हमारे पास है, साथ ही स्टूडेंट्स के पास भी मेंटली प्रिपेयर रहने का टाइम रहेगा और कोई आश्चर्य उन्हें नहीं होगा और कोई सरप्राइज भी उन्हें नहीं होगा। तो कुल मिलाकर बात करें तो आप ये मान सकते हैं कि इस
पूरे प्लान को, मर्जर प्लान को फ्लोट इसीलिए किया जा रहा है अभी, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो हर तरीके से जो है तब तक तैयार हो जाए। अब सवाल ये कि क्या ये मर्जर, ये प्लान अगले साल से फॉलो किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ। यूजीसी चेयरपर्सन ने भले ही अगर लगा दिया हो, लेकिन उनकी बातें इसी तरफ इशारा करती है कि भाई अगर सब कुछ ठीक रहा, प्लान के अकॉर्डिंग रहा, तो अगले साल ही ये जो पूरा प्लान है इसे एक्शन में लाया जाएगा। और वैसे भी इस साल के जेईई नीट एग्जाम खत्म हो चुके हैं और सरकार के पास इसकी पूरी प्लानिंग करने के लिए अभी एक साल का वक्त बचा हुआ है, हाथ में एक साल है। वहीं यूजीसी के चेयरपर्सन की माने, उन्होंने कहा कि इस मर्जर प्लान को लाने की हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, इसके लिए एक अच्छी योजना बनाने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ने हमारी पिछली वीडियो पर जो है कमेंट्स किए, सवाल पूछे, उन्होंने अपनी बात रखी, तो कुछ कमेंट्स जो है वो स्टूडेंट्स के ले लेते हैं। काफी स्टूडेंट्स ने अपनी जो राय है वो ये रखी है कि मर्जर नहीं होना चाहिए और जेईई नीट के लिए सेपरेट एंट्रेंस ही ठीक है, जैसा कि होता चला आया है। चंद्रकांत ठाकुर ने लिखा, सभी पेपर अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि इन सभी पेपर्स में क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो अलग अलग रहता है। नरेंद्र कुमार ने लिखा, जेई और नीट स्टैंडर्ड नहीं रहेगा अगर इन्हें मर्ज कर दिया जाए तो। सुरेंद्र ने लिखा, जेई मेंस का एग्जाम तो सही नहीं करा पा रहे, अलग ही रहने दीजिए। संतोष राय लिखते हैं, अगर ऐसा कर दिया जाता है तो ये देश के गरीब और होनहार बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, यानी कि समर्थन कर रहे हैं। कम ही सही, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा कि मर्जर का ये आइडिया अच्छा है। दूसरी तरफ नवीन कुमार, एक स्टूडेंट, ने लिखा, अभी जो सीयूईटी ले रहा है खुद वो परेशान है, सही समय पे ना उनका एडमिट कार्ड दिया जा रहा है और ना ही उनकी एग्जाम डेट जो है वो दो बार उनकी पोस्टपोन कर दी जाती है। कई स्टूडेंट्स ने ये भी लिखा कि फिर जेईई एडवांस का क्या होगा? तो ये तमाम जो सवाल है ये स्टूडेंट्स कह रहे थे। तो ये थे स्टूडेंट्स के कुछ रिस्पॉन्सेज जो हमने आपको पढ़कर बताए, क्योंकि पिछली हमारी जो वीडियो रही उस पर काफी स्टूडेंट्स की बात आई, एक्सपर्ट्स की भी इस पर बटी हुई राय है। वहीं एक बात यहाँ देखने वाली है, सीयूईटी का अभी हो रहा एंट्रेंस काफी हद तक आप कह सकते हैं फ्लॉप नजर आता है। सर्वर इशू, टेक्निकल ग्लिचेस जैसी बातें सामने आ रही है लगातार। 15 लाख स्टूडेंट्स ने सीयूईटी के लिए रजिस्टर किया था, ये बात याद रखें। तो 15 लाख का भार अगर एक कॉमन सीयूईटी परीक्षा संभालती नहीं दिख रही, फिर दो और बड़े एंट्रेंस यानी कि जेईई और नीट इसमें मिला दिए जाएंगे तो ये भार और ज्यादा बढ़ जाएगा, वो संभाल पाएंगे या नहीं। एक एवरेज बेसिस पर अगर आप देख ले तो 2020 के आंकड़े आप उठा लीजिए, जेईई मेन के सितंबर सेशन के लिए लगभग 6 लाख स्टूडेंट्स, छात्रों ने ये एग्जाम दिया था। 8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जनवरी सेशन में बैठे थे, अंदाजा लगाइए। 2019 में तो 10 लाख स्टूडेंट्स ने अप्रैल सेशन में बैठे और 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो सेपरेटली जनवरी सेशन में उस अटेम्प्ट के लिए अपीयर किया था। वहीं नीट के एग्जाम की आप बात कर ले तो 2020 में 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम के लिए अपीयर किया था। 2019 में 14 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम लिया था। तो इससे आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि जब ये लाखों लाख स्टूडेंट्स पाइल अप होंगे, यानी जेईई प्लस नीट प्लस सीयूईटी, जब ये एक साथ एग्जाम देंगे तो होगा क्या? इसीलिए कई स्टूडेंट्स ये सवाल कर रहे हैं कि 15 लाख स्टूडेंट्स वाला सीयूईटी तो आप स्मूथली करा नहीं पा रहे, तो जेईई नीट को आप मर्ज कर देंगे तो कैसे ये मुमकिन हो पाएगा? खैर, उम्मीद करते हैं कि इस प्लान को फाइनलाइज करने में जिन स्टेक होल्डर्स की बात की जा रही है, जिन्हें कंसल्ट करने की बात की जा रही है, उनमें स्टूडेंट्स भी हों, यानी स्टूडेंट्स से भी उनके सुझाव जो है, उनकी मन की बात जो है वो सुन ली जाए और फिर फाइनली एक सेंसिबल डिसीजन पर आया जाए। और छात्र जो हमें देख रहे हैं, अगर आपके मन में भी अभी भी कोई सवाल हो, आपके मन में कोई राय हो जो आप इस पर रखना चाहते हो, तो कमेंट्स में बेझिझक आप लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि जिन स्टूडेंट्स के रह गए सवाल इस बार, उन्हें अगली बार जो है कमेंट्स में लेंगे। तो बेझिझक लिखिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।